नमस्ते, आप देख रहे हैं टीवी 9 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, आपके साथ मैं अंजलि गुप्ता। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव में कुछ ही समय है। बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट जैसे ही जारी की थी, जितने 39 नाम सामने आए थे, उसके बाद जिले से कई जिलों से ऐसी तस्वीरें भी सामने आई थी जहां पर जो दावेदार थे वो विरोध में आ गए थे। उन्हीं में एक नाम था ममता मीणा का। सबसे ज्यादा चर्चित नाम भी ममता मीणा का ही रहा था। अब कल ही एक भी खबर सामने आई थी कि ममता मीणा ने बीजेपी से इस्तीफा देकर आम आदमी पार्टी की सदस्यता ले ली है। आज सीधा हम जुड़ेंगे ममता मीणा से और उनसे ही जानेंगे कि आखिर क्या वजह रही। ममता जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका टीवी 9 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। अब ये वैसे तो ये जग जाहिर है, सबको पता है कि आपने बीजेपी से क्यों इस्तीफा दिया था। आपने पहले भी कई बार ये बात बोली है और आम आदमी पार्टी कल ही आपने ज्वाइन कर ली, लेकिन एक बार हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या मुख्य वजह रही, क्यों आपने बीजेपी से इस्तीफा दिया। देखिए, 2002 से भारतीय जनता पार्टी की सदस्य थी मैं, और 2005 में जिला पंचायत अध्यक्ष रही हूँ, 2008 का चुनाव लड़ी हूँ, 13 से लेकर 18 तक विधायक रही हूँ, और 18 में दिग्विजय सिंह के छोटे भाई से चुनाव लड़ी थी मैं, और 2 लाख का कर्जा और ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को सीएम का चेहरा बनाया हुआ था, उसके कारण से किनारे से मतलब दिग्विजय सिंह से डायरेक्ट लड़ाई थी, और उसके बाद मैं चुनाव हारी हूँ, और उसके बाद भी मैंने लगातार मेहनत करी है, और मेहनत के बाद भी जब मैं रात दिन कार्यकर्ताओं को खड़ा किया, क्योंकि पहली बार दिग्विजय सिंह जब मुख्यमंत्री बने थे तो चाचौड़ा से विधायक थे वो, और उनका रिकॉर्ड तोड़ा मैंने, वो 27,000 से जीते थे, मैं 34,901 वोट से जीती थी। अब मैं इतने बड़े लोगों से लड़ाई लड़ रही हूँ और कार्यकर्ताओं को खड़ा कर रही हूँ, और उसके बाद इतनी पुरानी मैं कार्यकर्ता होने के बाद भी पैराशूट से प्रत्याशी उतारा चाचौड़ा से, ये चीजें अच्छी चीज नहीं है। पैराशूट से क्यों उतारे जब पार्टी के कार्यकर्ता ऑलरेडी पहले से है, इस चीज का मैंने वरिष्ठ नेतृत्व को बोला, लेकिन उन्होंने मेरी बात को नजरअंदाज किया है, इसलिए आज मैं इस मुकाम पर आकर पहुंची। जी ममता जी, क्या वजह आपको लगती है, क्यों उन्होंने मतलब आपने, हमने भी देखा है कि पहले का जो इतिहास रहा है, आपने वहां से जीत भी दर्ज की थी और लक्ष्मण सिंह से भी जब आप हारी थी तो काफी मतों का अंतर भी कम था, आपको क्या वजह लगती है? देखो, 9,700 वोट से मैं चुनाव हारी हूँ, और वो भी स्वयं एक मतलब पुराने जो सीएम, एक सीएम लड़ रहे चुनाव, उनसे मैं लड़ रही हूँ, वो ये तो है ना, 40-50 हजार वोटों से चुनाव हारी हूँ, और उसके बाद मैंने अच्छी लड़ाई लड़ी, और उसके बाद में मैंने चुनाव हारने के बाद में लगातार काम किया, पार्टी को खड़ा किया। एक जमाना था कि चाचौड़ा में और गुना जिले में, चाचौड़ा रावगढ़ क्योंकि उन्हीं का दिग्विजय सिंह जी, लक्ष्मण सिंह जी का क्षेत्र कहा जाता था, उसमें कोई झंडे नहीं लगाते थे पार्टी के, मैंने झंडा लगाया, कार्यकर्ताओं को आत्मसम्मान के साथ खड़ा किया, उसके बाद भी मेरे पैराशूट से प्रत्याशी उतारा जो 4-5 महीने पहले आई है, और एक IRS है, उनके हस्बैंड दिल्ली में, उनकी पत्नी है, वो क्यों पैराशूट से उतारा, क्यों उन्होंने हवाई जहाज से सदस्यता दी, और आपने देखा उसके बाद भी, फिर भी मैंने 17 तारीख को सूची आई थी 39 लोगों की, 1 महीना मैंने इंतजार किया, और उसके बाद भी मैंने माननीय नरेंद्र सिंह जी तोमर जी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष गिरीश शर्मा जी, माननीय मुख्यमंत्री जी से फोन पे बातचीत की, उसके बाद भी उन्होंने उस मेरी बात पर कोई विचार नहीं किया, मैंने कहा पुनर्विचार करो या कोई पार्टी के पुराने कार्यकर्ता को दे दो टिकट, लेकिन उन्होंने मेरी बात को कोई नजरअंदाज करते रहे, और प्रत्याशी के द्वारा जो चाचौड़ा विधानसभा में जो जन आशीर्वाद यात्रा 17 तारीख को आई थी, अभी 17 तारीख, उसमें ना तो मेरे कोई होर्डिंग लगाए, ना बैनर लगाए, ना मुझे बुलाया गया, और मैंने जब वहां के लोगों से पूछवाया, पूछा तो बोले मंडल अध्यक्ष से, तो बोले भाजपा के जिला अध्यक्ष ने मना किया कि इनको पार्टी की कोई बैठक में मत बुलाओ, वो ना यात्रा में बुलाओ, आखिर मैं ऐसा कौन सा कसूर कर दिया भाई, मैंने पार्टी को खड़ा किया चाचौड़ा में, पार्टी को कार्यकर्ताओं को आत्मसम्मान के साथ खड़ा रखा, अब पैराशूट से प्रत्याशी उतार दिया, तो भैया पैराशूट से मतदाता आप ले आइए, जब आप पैराशूट से कार्यकर्ता वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को ले आइए, जब पैराशूट ही चल रहा है तो फिर यही सही है, इसलिए मैंने ये कदम उठाया है। जी ममता जी, मतलब आपको प्रियंका मीणा से समस्या है, आपको इस बात से समस्या नहीं कि आपका भी तो टिकट कटा है? देखिए, मुझे मेरे को पैराशूट प्रत्याशी से समस्या थी, मैंने ये भी कहा था कि मेरे को टिकट नहीं दे रहे, आप पुराने कोई कार्यकर्ता को दो, तन मन धन लगा के मैं उसके लिए काम करूंगी, मैंने लेटर भी लिखा था पुराने कार्यकर्ता, जिनकी 4-4 पीढ़ियां खप गई है, ऐसे लोगों का नंबर कब लगेगा, मेरे को नए प्रत्याशी का मेरा विरोध है, नए प्रत्याशी बनाए जाने के बाद में नए प्रत्याशी ने आज तक मुझसे संपर्क भी नहीं किया, उस समय तक भाई मैं 19 तारीख को मैंने इस्तीफा दिया, 19 तारीख तक कोई मुझसे संपर्क नहीं किया, और नहीं मेरे को होर्डिंग बैनरों में कहीं फोटो है, कुछ नहीं, ना मुझे बुलाया जा रहा, ना पार्टी के कार्यक्रम में बुलाया जा रहा, ऐसे अपमान के साथ में मैं कैसे रहूं, मैंने बड़े दुख के साथ
पूरे पार्टी से पदों से इस्तीफा देकर, और क्योंकि मैंने मेरी माँ के बाद मैंने भारतीय जनता पार्टी को दर्जा दिया था, लेकिन मैंने एक मैं तो एक सच्ची बेटी बनकर मैंने काम किया। और भाजपा में जो क्योंकि भाजपा में जो लोग हैं उन लोगों ने इस बेटी का सम्मान नहीं किया जो वरिष्ठ नेतृत्व है, और मैं जब जा रही थी मुझे किसी ने रोका नहीं, ना ही मुझे किसी ने टेलीफोन किया। और मैंने इस्तीफा देने के बाद 2 दिन बाद मैंने सदस्यता ली आम आदमी पार्टी की, तब तक भी मेरे पास किसी का फोन नहीं आया। ये मेरे लिए सबसे बड़ा, इतना समय मैंने अपने जिंदगी का आधा समय मैंने पार्टी में खपा दिया, लेकिन पार्टी ने मेरी कदर निकली, जाते हुए कोई मुझे रोका नहीं। मुझे मन में ये बहुत ज्यादा पीड़ा थी इस बात को लेकर, इसलिए आज आम आदमी पार्टी का दामन थामा है मैंने। अब आम आदमी पार्टी के माध्यम से पूरे मध्य प्रदेश में आवश्यकता है, क्योंकि आम आदमी पार्टी एक बड़े रूप में उभर के आने वाली पार्टी है। आप देख रहे हैं कि दिल्ली में भी 3 बार माननीय केजरीवाल साहब ने सरकार बनाई है, एक स्वास्थ्य और शिक्षा की ओर जो वो ध्यान दे रहे हैं, बिजली की ओर ध्यान दे रहे हैं, वो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा आवश्यकता है। स्वास्थ्य, शिक्षा और बिजली, ये मध्य प्रदेश में ज्यादा आवश्यकता है, इसके लिए आज आम आदमी पार्टी अब नीचे तक जाएगी। जी ममता जी, आपने अभी बड़ी बात बोल दी कि आपने अपनी माँ के बाद भारतीय जनता पार्टी को ही दूसरा जो है वो दर्जा दिया है। कल भी एक जो अभी कुछ दिन पहले भी जो तस्वीर आई थी, आपने जब इस्तीफा दिया था काफी सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है, आपने भी देखी होगी, जब आपने दंडवत प्रणाम किया था ऑफिस को, कार्यालय को जो है दंडवत प्रणाम करते हुए फिर आप बाहर आई थी, आपने मीडिया से बातचीत करती, आपने देखा सोशल मीडिया पे वो तस्वीर काफी वायरल हो रही है आपकी, कि आप कितने बड़े। मुझे नहीं पता, मैंने बाद में देखा, मुझे जानकारी नहीं थी क्योंकि वहां मीडिया बाहर था और मीडिया के लोगों के द्वारा ये लिया गया। बाकी मैंने अंदर आत्मा के साथ में मैंने पार्टी को मां माना, उसके विदा अंतिम विदा मैंने पार्टी के कार्यालय को मतलब दंडवत प्रणाम करके ली, और मैंने उसी निष्ठा के साथ काम किया था जिस निष्ठा के साथ मैंने दंडवत प्रणाम किया है, और आगे भी अब आम आदमी पार्टी में उसी निष्ठा के साथ मैं कार्य करूंगी और ज्यादा से ज्यादा हमारी सीटें जीत के आए। क्योंकि आप देख रहे हैं कि माननीय केजरीवाल साहब ने पंजाब जैसा राज्य लिया है, तो मध्य प्रदेश से दूर नहीं है, और मध्य प्रदेश में आप सब लोग भाजपा और कांग्रेस से ऊब गए, और यहाँ जो भगदड़ मची है, जो ना तो कांग्रेस में पुराने कार्यकर्ताओं की कोई सम्मान नहीं हो रहा, ना ही भाजपा में पुराने कार्यकर्ताओं का सम्मान हो रहा, अब ये नई भाजपा पुराने कार्यकर्ताओं पे हावी हो गई है। आने वाले समय में अब हम आम आदमी की पार्टी के लिए हम ज्यादा से ज्यादा हमारी सीटें आए उसके लिए हम करेंगे, क्योंकि युवाओं को रोजगार चाहिए, पढ़ने वाले बच्चों को शिक्षा चाहिए, और महिलाओं को सम्मान चाहिए, और बीमारों को, बीमार जो व्यक्ति है उनको इलाज चाहिए, ना कि झूठे वादे जो हो रहे थे। आपने देखा होगा कि ये नई भाजपा में जो जैसे अभी ज्योतिष सिंधिया जी आए, उनके साथ पूरी टीम आई है, उन्होंने वादा, उन्होंने कहा था कि किसानों का 2 लाख का कर्जा माफ करो, ये कह के उन्होंने कांग्रेस की सरकार बनाई थी, अब वो जो पूरे नहीं हुए वो भाजपा में है, लेकिन जिस दिन से वो सरकार, जिस दिन से भाजपा में है उस दिन से एक बार भी उन्होंने किसानों का मुद्दा नहीं उठाया, शिक्षकों का मुद्दा नहीं उठाया, युवाओं का मुद्दा नहीं उठाया। आज केजरीवाल साहब कह रहे हैं कि हम युवाओं को रोजगार भी देंगे, वो 3000 रुपए बेरोजगारी भत्ता भी देंगे, 24 घंटा बिजली देंगे, दिल्ली जैसे राज्य जैसे स्कूल यहाँ पर भी देंगे जिसमें हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, और मुफ्त इलाज देंगे, हर मोहल्ला गली मोहल्ले में भी अगर अस्पताल खोलने की आवश्यकता पड़ी खोलेंगे। ये सब चीजों को देखते हुए किसानों को उचित मुआवजा, उचित दाम मिले, उसको लेकर आम आदमी पार्टी काम करे, उसको लेकर हम पूरे मध्य प्रदेश में काम करेंगे। इसी स्वच्छता और स्वच्छता के वातावरण के साथ हम नीचे तक जाने वाले हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आपने कहा ममता जी, हमने भी देखा कि 1 महीने का आपने लंबा इंतजार किया, जब प्रत्याशियों की लिस्ट आई थी तब से लेकर आपने कल आम आदमी पार्टी की सदस्यता ली है, 1 महीना लगभग हो चुका है। इस इंतजार में जो आपका 1 महीने का समय था, इसमें आपने किससे बातचीत की थी? नरेंद्र सिंह तोमर का आपने जिक्र किया कि आपने सीएम से भी बातचीत की थी, या इस दौरान किसी और से आपने बातचीत की हो, इस बारे में अपनी समस्या बताई हो? देखिए, मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से भी बातचीत की थी फोन पे, और माननीय नरेंद्र सिंह तोमर जी केंद्रीय मंत्री उनसे बात की, बीडी शर्मा जी प्रदेश अध्यक्ष जी से बातचीत की, और उसके बाद में मुझे लगा नहीं कि मेरी बात को ये ध्यान से तवज्जो दे पा रहे, लेकिन फिर भी मैं इंतजार कर रही थी, कहीं ना कहीं मुझे विश्वास था कि मेरे जो काम है, जो वर्क है, जैसे उन्होंने शीर्ष नेतृत्व को भी उन्होंने कहा कि अमित शाह जी के सर्वे में आपका नाम नहीं आया। अब बताइए, इतना बड़ा नेतृत्व का ये नाम लेकर एक तरह से ये पल्ला झाड़ रहे, ये गलत बात है। अमित शाह जी और माननीय प्रधानमंत्री जी को इस बारे में मालूम ही नहीं होगा कि इनके नाम के लेकर कार्यकर्ताओं को दबाया जा रहा, कार्यकर्ताओं को इस तरह से कहा जा रहा, और जबकि मैं तो चाहती हूँ मेरा जो सर्वे रिपोर्ट की कह रहे, सर्वे रिपोर्ट की जांच होना चाहिए, बारीकी से जांच होना चाहिए,
मेरा सर्वे रिपोर्ट पूरे मध्य प्रदेश में एक नंबर पे निकलेगा, क्योंकि जिस दिन से चुनाव हारी उस दिन से एक दिन भी मैं अपने घर बैठ के नहीं रही हूँ, लोगों के सुख दुख में मैं खड़ी रही हूँ। और अगर सर्वे रिपोर्ट अगर मेरा खराब था, मेरा टिकट कटा, टिकट कटने के तुरंत बाद ही मेरा 17 तारीख को टिकट कटा, और उसके बाद में 21 तारीख को मेरा जन्मदिन था, मेरा तिथि के हिसाब से जन्मदिन 21 तारीख को जन्मदिन था, उसमें जो जनता थी, आप बताइए मतदाता कार्यकर्ता किसान 25,000 20 से लेकर 25,000 लोग मेरा जन्मदिन मनाने आ रहे हैं। तो आप समझिए, जिसका टिकट कटता दो लोग नहीं आते, 25,000 लोग जब जन्मदिन मनाने आ रहे हैं, तो इससे ज्यादा बड़ा सर्वे रिपोर्ट और क्या चाहिए। और उसी के साथ साथ मैंने जब ये जन आशीर्वाद यात्रा के बाद मैंने उस दिन जन आदेश यात्रा निकाली, 1,000 गाड़ियों से खानकड़ा दरबार राजस्थान से मैंने यात्रा निकाली और हमारे चाचौड़ा विधानसभा के पूरे क्षेत्रों को कवर करती हुई यात्रा गई। 1,000 गाड़ी जिसके साथ हो, वो भी स्वयं के कार्यकर्ताओं गाड़ी मेरे द्वारा नहीं प्रायोजित नहीं थी, उनके द्वारा गाड़ी यात्रा जनादेश यात्रा उनके द्वारा निकाल के मेरे को लेके वो जब गए, वो जनादेश यात्रा के बाद में फिर मैं आम आदमी पार्टी में आई हूँ और पार्टी से पूरे कार्यों से मुक्त होकर मैं आम आदमी पार्टी में आई हूँ। बिल्कुल, आपने काफिलों की बात की कि काफ़ी काफिले, अभी हमने देखा कई तस्वीरें ऐसी भी कि कई बीजेपी के नेता जो हैं कांग्रेस में शामिल हुए हैं, 1100 गाड़ियों के साथ गुड्डू राजा बुंदेला पहुंचे थे, 1,000 गाड़ियों के साथ दतिया से राजू दांगी हैं वो भी पहुंचे थे, वहां उन्होंने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की थी। ज़्यादातर हम देख रहे हैं कि कांग्रेस में लोग जा रहे हैं, आपने नहीं सोचा इस बारे में कांग्रेस में शामिल होने को लेकर? देखिए, मैंने लड़ाई हमेशा कांग्रेस से लड़ी है। मैं जब 2002 से भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हूँ, मैं लगातार उनसे लड़ाई लड़ रही हूँ। जैसे मध्य प्रदेश में उमा भारती जी ने सरकार बनाई थी, इसी तरह से चाचौड़ा में भाजपा का झंडा मैंने गाड़ा और मैं लगातार कांग्रेस से लड़ाई लड़ रही, क्योंकि दिग्विजय सिंह फर्स्ट टाइम सीएम चाचौड़ा से थे, वो लक्ष्मण सिंह सांसद थे, इनसे लड़ाई लड़ते लड़ते मैं आज यहाँ तक पहुंची। उनमें मेरे पास ऐसा नहीं ऊपर नहीं आया, ऊपर आया था लेकिन मैं गई नहीं हूँ, क्योंकि मैं मेरी विचारधारा कांग्रेस से नहीं मिलती है, वो मैं आम आदमी पार्टी में इसलिए आई हूँ। मैंने दिल्ली में 3 बार की सरकार देखी है कि जो काम स्वच्छता के अभी तक इस सरकार पे कोई आरोप नहीं लगे, कोई भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा, और स्वास्थ्य शिक्षा ये सब देखी है। अभी पंजाब जैसे राज्य में उन्होंने सरकार बनाई है, इसलिए मैं आम आदमी पार्टी में। मैं चाहती तो निर्दलीय भी लड़ सकती थी, लेकिन मैंने सोचा कि आम आदमी पार्टी ज्यादा अच्छी रहेगी, ये एक अच्छा काम कर रही, जो काम करने वालों की कदर कर रही, इसलिए मैं आम आदमी पार्टी में। जी अच्छा, एक सवाल और है, आपने अभी बोला था कि जो नई भाजपा है, हमने पहले के भी आपके बयान सुने थे, आपने कहा था कि जो पहले की भाजपा थी वो अब की भाजपा नहीं है, खासकर कि जब 2020 में सिंधिया ज्योतिरादित्य सिंधिया आए थे अपने कई समर्थकों के साथ आए थे, क्या अंतर आप देखती हैं पुरानी भाजपा नई भाजपा में? देखिए, अभी ऐसा हो रहा है कि ये तेरा मेरा जैसा कहते हैं ना कि आप ये मेरा है, ये मतलब एक लड़ाई, मतलब एक एरिया बढ़ गया है कि ये इतने, ये आपके सीट है, ये मेरी सीट है, यहाँ से इनकी सीटें, ये अटल बिहारी अटल अटल जी और आडवाणी, राजमाता साहब कुशाभाऊ ठाकरे, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी वाली भाजपा नहीं रही, तेरी मेरी वाली भाजपा हो गई, ये नई भाजपा हो गई। इसमें पुराने लोगों ने जिन्होंने अपने खून पसीना बहाकर आज ये पूरा विश्व की सबसे बड़ी पार्टी अगर बनाई है, उसमें जिन लोगों उन लोगों को आज ये भाजपा भूल रही है, और उन्हीं उन्हीं लोगों में से हम भी है कि हमने भी 2002 से आज संघर्ष करते करते आज मेरे को 20 साल हो गए, 20 साल में मैंने जो काम किया होगा उस काम का परिणाम मुझे ये हुआ कि मुझे हमारे चाचौड़ा में पैराशूट प्रत्याशी के रूप में हमें दिया गया, चार पांच महीने पहले जो आए उनको पार्टी का प्रत्याशी बनाया गया, जबकि कोई पार्टी में क्या इतनी बड़ी भाजपा इसमें पार्टी के कार्यकर्ताओं की कोई कमी है क्या? आज इस स्थिति में नई नई और पुरानी भाजपा के चक्कर में हमारा पुराना कार्यकर्ता पिस रहा है और हमारे पुराने कार्यकर्ताओं का अपमान हो रहा, पुराने कार्यकर्ताओं का सम्मान नहीं हो रहा। इसलिए आज मैंने, जब आपने देखा होगा कि मैं बीजेपी कार्यालय गई, मैं पूरे पदों से त्याग पत्र देके भगवान दास सबनानी जी जो महामंत्री जी को देखकर आई, उस समय मेरी न मांगे इसीलिए थी कि मैं इस पार्टी को बड़ी मुश्किल से सींच के मैंने कहां तक पहुंचाया था, लेकिन आज कहते ना भगवा घर बना दिया, वो नए लोग आके जबरन घुस गए और हमारा सामान निकाल के बाहर फेंक दिया। फिर भी हम तो निष्ठावान थे, हम तो बाहर सामान पड़ा था, फिर भी हम इंतजार कर रहे थे कि हमारा वरिष्ठ कोई आए, पुराना आदमी कोई आए और हमें वापस अंदर लेके जाए, लेकिन हमें तो इन लोगों ने जब 17 तारीख को जब सूची आई उसी दिन हमको निकाल के इन लोगों ने बाहर कर दिया था। मैंने बड़ी मुश्किल से चाचौड़ा में इन बड़े नेताओं से, कांग्रेस के बड़े नेताओं से लड़के, दिग्विजय सिंह जैसे बड़े नेता से लड़के मैंने अपना घर बनाया था, वो पार्टी के कार्यकर्ताओं को आत्मसम्मान के साथ मैंने वहां पर खड़ा किया था,
वो जब मेरी बारी आई तो मुझे निकाल के पार्टी ने बाहर फेंक दिया। फिर भी मैंने 1 महीना 2 दिन इंतजार किया, उसके बाद मैंने इस्तीफा दिया, क्योंकि जन आशीर्वाद यात्रा में प्रत्याशी के द्वारा मेरे फोटो भी नहीं लगाया गया, मुझे बुलाया भी नहीं गया, निमंत्रण भी नहीं दिया गया। उसके बाद फिर मैंने मेरा सम्मान को जब ज्यादा ठेस पहुंची, उसके बाद फिर मैंने इस्तीफा दिया इस पार्टी से। मतलब काफी भारी मन से आपने इस्तीफा दिया है बीजेपी से, तस्वीरें भी यही कह रही थी और अभी भी बोलते हो हम देख रहे हैं कि आप कहीं ना कहीं एक भावुकता जो है वो भी नजर आ रही है आपकी आवाज में भी, कि कितने भारी मन से आपने इस्तीफा दिया। एक और सवाल मैं जानना चाहूंगी कि जब सिंधिया समर्थकों की बात मैंने अभी सवाल पूछा था आपसे, लेकिन कई सिंधिया समर्थक हमने देखे हैं जो घर वापसी कर रहे हैं, वापस से कांग्रेस में आ रहे हैं और आरोप ये लगा रहे हैं कि बीजेपी के जो पुराने लोग हैं वो हमें अपना ही नहीं समझते थे। मतलब कहीं ना कहीं ये अंतर्कलह क्या आप बताइए चलता रहता था, सिंधिया समर्थक जो बाहर से आए थे और आप लोग जो खुद बीजेपी के लोग थे। देखिए अभी जो वो इस तरह का आरोप लगा रहे हैं वो गलत है। वो पद की प्राप्ति के लिए वो बहुत सारी चीजें होती है, जैसे अब सिंधिया जी है, उन्होंने तो राज्यसभा सदस्य बन के केंद्रीय मंत्री बन गए, तो वो जो उनके साथ आए वो भी चिंता नहीं कर रहे वो, क्योंकि और उसके अलावा उन्होंने किसानों वाला मुद्दा उठाया नहीं। तो ऐसी स्थिति में जबकि वो तो क्या टिकट का वो चल रहा कि हमें टिकट दो टिकट दो, तो इस तरह का वो कहीं ना कहीं इस तरह से भगदड़ मची हुई है। वो जो अभी मैं तो कहती हूँ, मैं तो फिर भी कहना चाहूंगी जो भाजपा और कांग्रेस में जो भगदड़ मची है, इधर उधर ना जाते हुए आम आदमी पार्टी की ओर जाए, क्योंकि स्वच्छता का वातावरण के साथ में दिल्ली और पंजाब जैसे राज्य मध्य प्रदेश भी बनाए, क्योंकि एक समय मध्य प्रदेश बीमारू राज्य कहा जाता था दिग्विजय सिंह के जमाने में, और आज ये कर्जे वाला राज्य कहा जा रहा है। आज कितना कर्जा ले लिया, जितना बजट नहीं उससे ज्यादा कर्जा तो मुख्यमंत्री जी ने कर्जा ले लिया। अब अपन कहीं ना कहीं अपन अपने राज्य को बहुत पीछे लेके जा रहे हैं, तो अपन कैसे विकास करेंगे, कैसे योजनाओं को आगे तक अपन लागू रख पाएंगे, ये अच्छी चीजें नहीं अपने आने वाली जो हमारे जो युवा है उनके और महिलाओं के लिए। अपन जो एक एक स्वरोजगार स्थापित करके युवाओं को रोजगार दे पाए वो स्थिति अपन मध्य प्रदेश में अब कल्पना नहीं कर सकते इस स्थिति में जी। लेकिन आम आदमी पार्टी की अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश में आम आदमी पार्टी की स्थिति उतनी नहीं है जितनी बीजेपी और कांग्रेस में, मुख्य मुकाबला जो है बीजेपी और कांग्रेस में देखा जाता है। ऐसे में आपने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की, आपको लगता है कि आप मुकाबला कड़ा मुकाबला दे पाएंगी? देखिए मैं क्या है कि मैं अपने अपना गीत गाती हूँ और आगे बढ़ती हूँ। जैसे कि मान लीजिए जब मैं चाचौड़ा में 2002 में भाजपा शून्य की स्थिति में थी, वहां पर मैंने भाजपा को खड़ा किया है, तो चाचौड़ा से मैं अब आम आदमी पार्टी की शुरुआत करते करते आप देखते जाइए, हमारे बहुत सारे विधायक जीत कर आएंगे और हम लोग निर्णायक, हम लोग सरकार सरकार में हमारी भागीदारी रहेगी। अब ममता मीना आ गई है तो अब आम आदमी पार्टी भी अब आप देखिए मध्य प्रदेश में अपना परचम लहराएगी, क्योंकि पूरा दम खम के साथ में हम पार्टी के साथ खड़े हैं। पार्टी की जो रीति नीति है वो मुझे पसंद है, इसलिए हम लोग अब एक स्वच्छता के साथ मध्य प्रदेश में आम आदमी पार्टी आएगी। भले आम आदमी पार्टी मध्य प्रदेश में नहीं थी, पर अब आने वाला 2023 आम आदमी पार्टी का रहेगा। और ममता मीना का जैसा अपमान किया ऐसे और भी कार्यकर्ताओं का ये लोग अपमान करेंगे, उन सबके साथ मिलकर हम आम आदमी की पार्टी की या सरकार बनाएंगे, आपको दावे के साथ मैं बोलूंगी। टिकट को लेकर बात हो गई आपकी? देखिए टिकट तो देखिए आपको नहीं, टिकट तो देना चाहिए बातचीत। मैं टिकट के लिए कोई वैसे शर्तों पे नहीं आई, मैं पूरे मध्य प्रदेश में काम करूंगी, जहां जहां मुझे पार्टी भेजेगी वहां जाऊंगी, और मैं उसके अलावा हमारी पार्टी को मजबूती मिले उसके लिए मैं सब जगह जाऊंगी, और हमारे ज्यादा से ज्यादा विधायक जीत के आए उसके लिए हम काम करेंगे। वो पार्टी अगर मुझे टिकट देगी तो मैं पूरे दम खम के साथ चुनाव लड़ूंगी, ये आपको पूरा भरोसा दिलाती हूँ जी। चलिए बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको ममता जी, और बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए, TV9 को अपना समय देने के लिए। नमस्कार।